पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के अवसर पर जहां मस्जिदों को सजाया गया, वहीं सुबह से ही मौलाना चक, हबीबपुर, चमेली चक, शाहजंगी सहित कई मोहल्ले से हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर जुलूस मोहम्मदी निकाली गई। जुलूस के दौरान कई तरह की झांकियां भी लोगों ने निकाली और देश के तिरंगे झंडे के साथ जुलूस में शामिल हुए। वहीं सभी जगह की जुलूस मौलाना चक में जाकर समाप्त हुई। वहीं सलाम और दुआ का भी कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सभी चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। अब की बरस तीन दिनी बारिश के बाद एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बिहार के सड़कों के निर्माण का पोल खुल गया है। बात स्मार्ट सिटी भागलपुर से भी है। शहरी आबादी के बीच दक्षिणी इलाके के लोगों का दर्द देखने लायक होता है, जिसमें भोलानाथ रेल पुल, बौसी रेल पुल और मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। साथ ही बाईपास सड़क NH80 की भी लगातार बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। NH80 पर भागलपुर में कहलगांव से पीरपैंती मिर्जा चौकी तक की सड़क पर चलना दूभर हो गया है। जब कभी बनता है तो उससे ज्यादा टूटता ही है। फ्लड प्रोन जोन और ओवरलोडिंग स्टोन चिप्स वाले ट्रक व वसूली ने सड़क का बंटाधार कर दिया है। निर्माण एजेंसी मेंटेनेंस से ज्यादा अंडर टेबल ट्रीटमेंट के जुगाड़ में रहती है। NH 180 की दशा खराब है। मिर्जा चौकी से लेकर भागलपुर तक बहुत ही बुरी स्थिति है। बीच में उसके निर्माण कार्य चल रहे थे तो मोटरेबल किया गया था कुछ जगह, लेकिन जो लगातार बारिश हुई है फिर रोड जो है पूर्ववत स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए जरूरी है कि जनहित को देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए, जो मिर्जा चौकी से भागलपुर तक, विशेष रूप से मिर्जा चौकी से कहलगांव लैलक ममलखा तक की सड़क को मोटरेबल करना बहुत जरूरी है। और इस तरह की उदासीनता जो है यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता मालिक कीचड़ में बदहाल सड़क पर चलने के लिए विवश है, यह दुखद है, अच्छा नहीं। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। युवक और युवतियों ने उपवास रखकर कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश के समान निर्मित अनंत की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांधा गया। वहीं पंडितों ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों, तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, पताल, भू, भुवा, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा के लिए वो स्वयं ही 14 रूप में प्रकट हुए थे, जिससे वो अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना जाता है। इसलिए लोग पूरी नियम निष्ठा से करते हैं। लगभग हर मंदिरों में इसकी पूजा अर्चना पंडितों द्वारा पूरे विधि विधान से कराई जाती है। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया। अनंत पूजा का जो भाद्र मास के चतुर्दशिया दिन के होता है, अनंत पूजा का मान है शिला नाम की थी कि जो कि अनंत पूजा किए थे, उसके घवंडी पति ने अनंत का डोरे को तोड़ के अग्नि में जो प्रवाहित कर दिए थे, वही शिला अनंत को लेके जल्दी से जल के और दूध दूध में डाल दिया। उसी से फिर अनंत भगवान संतुष्ट हुए। 14 वर्ष तक अनंत मानने से अति सुख प्राप्त होता है, धन धन की प्राप्ति होती है और अंत में अनंत लोक में चल जाते हैं श्री वासुदेव की शरण में। यह अनंत पूजा का महत्व है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा है भक्ति श्रद्धा और धन धान की दृष्टता होती है, पुत्र पाता है, पुत्र लक्ष्य जो है वह लक्ष्य पाता है, जैसे सर्विस है या कुछ ऐसा लक्ष्य रखते हैं कि भगवान हम यह लक्ष्य रखते हैं तो इससे प्राप्ति होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
इंडियन मेनोपोज समिति की ओर से भागलपुर में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 30 और 1 तारीख को होना है। इसको लेकर मेनोपोज समिति की जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर अर्चना झा सहित समिति से जुड़ी अन्य सदस्यों ने प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। बताया गया कि ईस्ट जोन का इस साल का सम्मेलन भागलपुर में 2 दिन चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेश के भी कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ पहुंचेंगे, जिसमें महिलाओं को शारीरिक तौर पर होने वाली समस्या, घरेलू तौर पर वो परेशानियों का सामना करती है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं कई महिलाओं से उनकी होने वाली परेशानियों के बारे में बाहर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर जानेंगे और उन्हें सलाह दी जाएगी। है यूजुअली 40 के बाद हमारे यहाँ प्रौढ़ हो जाती है, क्योंकि शादी की उम्र काफ़ी कम है, 18 साल 19 साल में शादी हो जाती है, और यूजुअली 30 होते होते महिलाएं प्रौढ़ हो जाती हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 30 के बाद जिंदगी शुरू होती है। तो हमारी जो ये महिलाएं हैं जो उतनी शिक्षित नहीं हो पाई हैं या जिनको उतना अच्छा माहौल नहीं हम लोग दे पाए हैं कि वो अपने बारे में कुछ सोच सके, तो इस सोसाइटी के कार्यक्रम के द्वारा हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। और ये एक मेन समस्या हो जाती है, अगर महिलाएं बीमार हो जाती हैं, जो हमारी मेन धुरी हैं, माँ है, बहन है या पत्नी है, अगर वो बीमार रहती है तो हमारा आगे का जीवन भी बहुत कठिन हो जाता है। तो हम लोग कैसे अपनी इन महिलाओं को फिट एट 40 और हैप्पी एट 50, सेक्सी एट 70 एंड इंडिपेंडेंट एट 80, मतलब 80 साल हम लोगों का टारगेट है कि 90 साल तक जो महिलाएं जिए वो अपने आप को इतने अच्छे से अपना मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, इनकी इकोनॉमिकल भी किस तरह से वो कुछ रोजगार करके अपने अच्छे रह सके, अपने लिए कुछ फंड इकट्ठा कर सके, किस तरह वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, किस समय उनको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, ये सारी जानकारियों में हम लोग चाहते हैं कि उनको इतना फिट कर दें कि ये हमारे लिए समस्या न रह जाए, और महिला जो अपना प्रौढ़ावस्था का जिंदगी जीती हैं वो एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिए और वो समाज के लिए प्रोडक्टिव हो पाए। जो अभी बोझ होते जाती हैं, जैसे कि बहुत बात है कि महिला बीमार हो जाती है तो बेटे के लिए या पति के लिए बोझ हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, जबकि उन्होंने बहुत ही अहम हिस्सा परिवार के लिए दिया है। तो उनको कैसे, उनकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, उनकी एक नई शुरुआत है 50 के बाद, इसके लिए हमारा यह संदेश है कि वो खुद को फिट रखें। और हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि हम लोग ये सही जानकारी उनको दे पाएंगे और उनको जागरूक कर पाएंगे इस संबंध में, ताकि वो आगे की ज़िंदगी अच्छी हो उनकी। कि इस तरह का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है और बाहर से भी विदेश से डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत हम लोगों के लिए और भागलपुर वासियों के लिए बहुत ही सम्मानजनक है और गर्व की बात है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर की मेयर भी बैठी हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उसी तरह से डॉक्टर प्रतिभा सिंह हैं, डॉक्टर अर्चना झा हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है कि जो लोग आए उनको भागलपुर शहर भी अच्छा लगे, ये कॉन्फ्रेंस अच्छा लगे, और जो जैसा कि इन लोगों ने बताया है, ये जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है वो जैसे भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी को उसने पूर्वी क्षेत्र के लिए, जिसमें कि पूरा नॉर्थ ईस्ट भी आता है, बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, इस जोन का कॉन्फ्रेंस मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है इंस्पाइट ऑफ कि यहाँ कई दिक्कतें हैं अभी भी, आप लोग सभी उससे वाकिफ़ हैं कि आना जाना बहुत मुश्किल है, देवघर लोग फ्लाइट से आएंगे, पटना कुछ लोग आएंगे, बागडोगरा उतरेंगे, फिर वहाँ से यहाँ आना है, ये तो यहाँ की समस्याएं हैं ही, पर उन सब को देखते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों को बहुत अच्छा करना है। मैं भी इसका भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी का मेंबर हूँ और इस तरह से मेल मेंबर्स भी इसमें हैं, नॉन डॉक्टर्स भी मेंबर्स हैं और सभी लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से जो जागरूकता के लिए है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के लिए कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि सब लोग अपना विचार रखेंगे कि और इसको हम लोग इस मेनोपॉज सोसाइटी के द्वारा लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, खास करके उन महिलाओं की सेवा जो 40 या 30 साल के बाद जिनकी समस्या होने लगती है, जो मासिक धर्म, जिस समय जो बॉडी में चेंजेस आता है और मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद भी जो समस्या रहती है वो सभी लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद
लोगों का और कैसे भला हो सके, जनता का और भला कैसे हो सके। भागलपुर में कार्यरत प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर सहित अन्य कार्य में लगे कर्मियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 8 तारीख को ये सभी लोग पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। इन लोगों का कहना है कि 2 दशक से अधिक समय से ये लोग विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें सरकार के द्वारा अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। कई सालों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें नियमित नहीं किया गया, जिसको लेकर ये लोग आंदोलन के मूड में हैं और 8 तारीख को ये लोग पटना में ही प्रदर्शन करें। यहाँ पे हम लोग भागलपुर जिला इकाई बेल्ट्रॉन का एक बैठक किए हुए हैं, जिसमें अपने भागलपुर जिला इकाई को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा भागलपुर जिला इकाई से लगभग ये निर्णय हो चुका है, चूँकि हम लोग इसके पूर्व में 8-10 दिन पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को लेटर दिए हुए हैं। कुछ हमारी मांगे हैं सेवा समायोजन को लेकर, उसको लेकर अब तक मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही बैठक टेबल पर बात करने के लिए बुलाया गया है। हम लोगों की एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हम लोगों को आज जो हम लोग विभाग में पिछले 2 दशकों से काम कर रहे हैं, 20 सालों से काम कर रहे हैं, वो आज तक हम लोग आउटसोर्सिंग के आधार पर या फिर संविदा के आधार पर हम लोग कार्यरत हैं, जबकि 20 वर्ष से लगातार कार्यालय में काम करने के बाद आज आप देख सकते हैं बहुत सारे संविदा कर्मी का परमानेंट कर दिया गया है, लेकिन एक ऐसे बेल्ट्रॉन के ही डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर आदि लोग हैं जिनको आज भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है। ये हमारा मुख्य मांग है कि हम लोग को सेवा समायोजन करवाना है और विभाग से ही हम लोगों को वेतन मिले और वो एक जीवन जीने के लिए जो एक मूल वेतन आधार है वो हम लोगों को प्राप्त हो। भागलपुर जिला इकाई की बैठक जो है आज यहाँ पे हो रही है और भागलपुर जिला इकाई की बैठक के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 8 अक्टूबर को पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, संवैधानिक तरीके से किया जाएगा, सरकार से अनुमति लेकर की जाएगी। भागलपुर में दुर्गा पूजा, काली पूजा, मुहर्रम, ईद, बकरीद जैसे कई पर्व होते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग झांकी लेकर सड़कों पर उतरे रहते हैं, जिसमें शांति व सौहार्द बनाने के लिए पुलिस प्रशासन तो लगी ही रहती है, लेकिन इसमें अहम भूमिका शांति समिति की भी रहती है। भागलपुर की शांति समिति के लोगों को प्रशासन पर्व त्योहार में अपना योगदान देने की बात करती है और उन्हें आदर पूर्वक बुलाया भी जाता है और उनकी बातों को सुना भी जाता है। अगर शांति समिति के लोग अपने किसी भी व्यक्तिगत कार्य को लेकर जाते हैं या फिर समाज की बातों को लेकर जाते हैं तो फिर पुलिस प्रशासन उसे अनसुना कर देती है, अनदेखा कर देती है। इस बात से शांति समिति के लोगों में काफी रोष है। इसी बात को लेकर आज गांधी शांति प्रतिष्ठान में शांति समिति के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक थी और इस पर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। साथ ही प्रशासन के रवैये से उदासीन लोगों ने जमकर प्रशासन को कोसा, कहा जब हमारी जरूरत होती है तब प्रशासन हम लोगों की सहायता लेती है और हम लोगों की बात अगर प्रशासन को कही जाती है तो वो नहीं मानते या कहीं से सही नहीं है। भागलपुर के निवासी होने के नाते और यहाँ पर जन्मे, पले, बढ़े और पढ़े और उच्च पद पर आसीन हुए, इसकी समस्याएं जो हैं और इसकी जो सोच है वो हम समझते हैं पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल अलग है। इतने पढ़े लिखे लोग जितने आज यहाँ सभा में बैठे हुए हैं कि शांति समिति का स्वरूप क्या हो, यहाँ 2 धाराएं चलती है, एक राजनीतिक धारा अलग है और एक सामाजिक धाराएं अलग है और इसमें कभी भी टकराव नहीं है। हम लोग राजनीतिक सोच को सामाजिक सोच में कन्वर्ट करके काम करते हैं। मुझे आपके माध्यम से कहना है कि शांति रहेगी तो ही तरक्की होगी, अमन रहेगा तो ही बेहतरी होगी और इसको बेहतर करने के लिए जब तक हम तमाम लोग, जाति, समुदाय, संप्रदाय, तमाम चीज़ों से उठ करके जब तक हम इसके लिए काम नहीं करेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए कि द रेस्पेक्ट इज कमांडेड, इट इज नॉट डिमांडेड। हम ऐसा काम करें, ऐसे समर्पण से काम करें कि शासन और प्रशासन मेरा पिछलग्गू हो, हम उनके पिछलग्गू नहीं हो। साहब भी आते थे इसी जगह पर, DIG साहब भी आते थे, SSP साहब आते थे, DM साहब आते थे, आज SDO साहब भी आते। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं हम में कुछ कमी आई है, हमारे जुड़ाव में, हमारे कार्य करने की क्षमता में कमी आई है, उसको बेहतर करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी इस कमियों को दूर करेंगे और कमी को दूर करके हम एकजुट होंगे और रेस्पेक्ट हम लोग कमांड करेंगे,
डिमांड नहीं करेंगे, ये हमारी सोच है। मैं बैठक बुलाने के लिए कि प्रमंडल स्तर पर, क्योंकि बांका में कोई घटना होती है हम प्रभावित होते हैं, नौगछिया पुलिस जिला में घटना होती है हम प्रभावित होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं और उसमें समय की तो करके प्रयास करने की जरूरत है। हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी हमसे अलग नहीं है, उन्हें भी हमारे दायरे में ही आना होगा। पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान कराने का संकल्प लिया है। इस बाबत भागलपुर में यहां के जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने 2 लाख हस्ताक्षर करने का संकल्प लिया है, इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 2 लाख हस्ताक्षर में तकरीबन 50,000 हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। आज इसको लेकर एक अहम बैठक रखी गई जिसमें निर्णय लिया गया कि काफी तेजी से हस्ताक्षर अभियान चलाना है और आगामी 28, 29, 30 अक्टूबर को पूरे राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस समय भागलपुर में भी हस्ताक्षर अभियान को उनके समक्ष रखा जाएगा। इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या कानून देश में कितना जरूरी है इसे बताना और जनसंख्या पर नियंत्रण करना इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है। इसी को लेकर आज भागलपुर की वृंदावन विभा भवन में बैठक आयोजित की गई जिसमें भागलपुर जिला के जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो यह बैठक रखा गया है यह विशेषकर कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 5 करोड़ हस्ताक्षर करवाने का आरक्षण लिया है। उसी हस्ताक्षर अभियान में भागलपुर जिले में हस्ताक्षर कितना तेजी से फैले, जो हमारी टीम ने यह निर्णय लिया कि भागलपुर जिले में कम से कम 2 लाख हस्ताक्षर कराएंगे, उस हस्ताक्षर अभियान को और कितनी तेजी से सुचारू रूप से बढ़े उसके निमित्त बैठक है। और साथ में 28 तारीख को दिल्ली में 28, 29, 30 प्रधानमंत्री जी को ये सारे हस्ताक्षर ज्ञापन पूरे भारत से अगले माह अक्टूबर एक रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना आवश्यक है, यह देश की जनता आपको यह हस्ताक्षर रूप में दे रही है, ऐसा यह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन निर्णय किया है। भागलपुर की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मड़वाड़ी कॉलेज में नए गेट का शिलान्यास कार्यक्रम कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा फीता काट कर किया गया। कॉलेज के नए गेट का निर्माण उद्योगपति शंभुदयाल खेतान के द्वारा 11 लाख की लागत से किया जाना है। कॉलेज का गेट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसको लेकर प्रिंसिपल के द्वारा उद्योगपति से आग्रह किया गया था। इसके बाद उन्होंने गेट बनवाने को लेकर राशि दी है जिसके लिए आज भूमि पूजन के साथ शिलापट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कॉलेज के प्रिंसिपल और कई पदाधिकारी मौजूद थे। मारवाड़ी महाविद्यालय में शंभुनाथ चेतान जी के जो दानदाता उन्होंने अपनी ओर से करीब 11 लाख रुपए का मारवाड़ी महाविद्यालय का चेतान के निर्माण का भाग लिया है। और चेतान साहब के बारे में क्या कहना है, जैसे कि मुझे पता है बड़े उद्योगपति हैं और साथ साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी चेयरमैन रहे और बहुत चेयरमैन के रूप में भी इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है और इन्होंने दान दे करके इस महाविद्यालय का सुंदर गेट और बड़ा गेट निर्माण करके जो काम किया है वो वास्तव में अद्भुत है और मैं इसके लिए मैं बहुत इनको धन्यवाद देता हूं, इनके पूरे परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि महाविद्यालय के लिए सोच रहे हैं कोई आदमी 1% नहीं देता है, ये लाखों के निर्माण से बड़ा गेट का निर्माण किया जाए तो इससे मारवाड़ी कॉलेज की सुंदरता बढ़ेगी। क्योंकि इसके अंदर के जो बिल्डिंग बनी हुई है करीब 12 करोड़ की लागत से, वो तो अपने आप ही में वो भी मारवाड़ी वित्त समिति के द्वारा बनाया गया है